हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आज आप लोगों के लिए बेहद ही रोमांचक चीज लेकर आया हूं जिसका नाम है 26 जनवरी स्पेशल फॉर रिपब्लिक डे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो 72 रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है हमारे भारतवर्ष में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ। इसी पर आधारित मैं कुछ खास विश्लेषण आप लोगों को देने वाला हूं। धीरज रखना, आगे पूरे वीडियो को देखना और सारे चीजों तथ्यों को समझना। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आवश्यक है आप लोगों के लिए। आज मैं 26 जनवरी से रिलेटेड अर्थात गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे से संबंधित बहुत सारे तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ करंट अफेयर का जो आपका मूलभूत चीज है, जो पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पद्म पुरस्कार 26 जनवरी को अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में मैं आप लोगों को विश्लेषण देने वाला हूं। तो दोस्तों, लेट्स मूव, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन बैच फॉर बीपीएससी प्री एंड मेंस स्टार्ट किए गए हैं। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हिंदी भाषी के लोगों के लिए विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच फॉर बीपीएससी प्री एंड मेंस जो बैचेज स्टार्ट डेट है 25 जनवरी 2021 एंड बैचेज एंड डेट जो है वो 10 सितंबर 2021। टारगेट बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश फॉर बीपीएससी प्री एंड मेंस बैचेज स्टार्ट डेट है 28 जनवरी 2021 एंड बैचेज एंड डेट है 10 सितंबर 2021। जहां दोस्तों इंडिया के टॉप एडुकेटर जो हैं वो आपको मार्गदर्शन देने का काम करेंगे और आपके रिजल्ट को सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए 60 डेज बैच कोर्स फॉर कंप्लीट बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन, जहां पर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको एलएसडब्ल्यू, पीएसआईआर, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री मिलेंगे। तो दोस्तों, लक्ष्य बीपीएससी बैच फॉर 66 बीपीएससी मेंस बैचेज स्टार्ट डेट जो है वो 18 जनवरी 2021 को है, जबकि बैचेज एंड डेट जो है वो 10 मार्च 2021 को है। ठीक है ना, बहुत सारे जो एडुकेटर हैं, इंडिया टॉप एडुकेटर, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। तो स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल फॉर बीपीएससी एंड बिहार एसआई डेज रिविजन क्लासेज 23rd जनवरी to 25 जनवरी एंड बीपीएससी 3 डेज रिविजन क्लासेज चल रहे हैं 23rd जनवरी to 25th जनवरी। दोस्तों, फ्री 2020 टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है, जहां पर फ्री बिहार एसआई प्री मॉक टेस्ट एवरी सैटरडे आपको चलेंगे, वहीं पर फ्री बीपीएससी प्री मॉक टेस्ट आपको एवरी संडे देखने को मिलेंगे। तो ज्वाइन नाउ, जितनी जल्दी हो सके। तो फ्री टेस्ट 2020 टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। डेली 2020 प्रैक्टिस सेट सीरीज फॉर बीपीएससी 20 मिनट क्वेश्चन मंडे टू फ्राइडे टाइम 8 PM से 8 PM ये चलना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस। मतलब जो फ्री क्लासेस आप करते हो और जो प्लस क्लासेस है, उन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फ्री क्लासेस है ना, उसमें क्या है ना, लिमिटेड सिलेबस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जबकि प्लस क्लासेस में आप देखते हो कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे। जबकि दूसरे पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है यहां पर स्क्रीन पे, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, जबकि प्लस क्लासेस में अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना, फ्री क्लासेस में आपको पीडीएफ एंड नोट्स एक नियत पैमाने पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जबकि प्लस क्लासेस में अनलिमिटेड पीडीएफ एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों, लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे फ्री क्लासेस में, जबकि प्लस क्लासेस में ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एडुकेटर, और वो भी लगातार आपको मिलते रहने हैं, तो आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, बेनिफिट ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शंस। तो सबसे पहले देखो, वन सब्सक्रिप्शंस मेनी बेनिफिट, बहुत सारे आपको बेनिफिट यहां पर मिलने वाले हैं एक सब्सक्रिप्शन से ही। तो सबसे पहले देखो, लर्न फ्रॉम बिहार टॉप एडुकेटर्स, स्ट्रक्चरल कोर्स कंप्लीशन, डेडिकेटेड बैचेस फॉर ऑल एग्जाम्स दैट फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी मेन्स, प्रीम एंड बिहार एसआई, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग, 20,000 प्लस क्वेश्चंस बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस मिलेगा मेरे दोस्त, एंड साथ ही साथ डाउनलोड वीडियोस एंड वॉच देम ऑफलाइन, डाउनलोड द पीडीएफ नोट्स फॉर रिविजन, गेट 20 प्लस मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड गेट डेडिकेटेड गाइडेंस एट योर कम्फोर्ट।
तो दोस्तों हाउ टू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो देखो यहाँ पर जाओगे स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है ये तीन लाइन के साथ, यहाँ पर बीपीएससी सर्च करोगे, यहाँ पर गोल में बीपीएससी आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जो ये सर्च होंगे ना, इस सर्च में नाम डाल दोगे अविनाश, AWINASH NCHANDRA, अविनाश चंद्रा, एंड गेट सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो भाई सब्सक्रिप्शन कैसे ले, तो हाउ टू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, तो देखो फॉर वन मंथ के लिए आपको 1600 पे करने होंगे दोस्तों, 3 months के लिए ओनली 4000, 6 months के लिए ओनली 7200, एंड 12 months अर्थात एक साल के लिए 8800 रुपये पे करने होंगे, एंड 24 months के लिए 12800 रुपये आपको पे करने होंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हमारे रेफरल कोड ACM10 का प्रयोग करते हो मेरे दोस्त, तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल सकती है और मिलेगी। तो ACM10 का प्रयोग करोगे सब्सक्रिप्शंस में तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी मेरे दोस्त, आप आराम से सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, किस प्रकार से प्रोसीड्यूर है जिससे आप लाइव क्लास कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है PDFs को डाउनलोड कर सकते हो, एंड जो हाउ टू क्लियर डाउट्स, अपने डाउट्स को किस प्रकार से क्लियर करो, अटेम्प्ट क्यूज किस प्रकार से ले, है ना। तो डाउनलोड एन अकेडमी ऐप टू क्रैक बीपीएससी, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर जिसका नाम है अन अकेडमी, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम, दिस इज अविनाश चंद्रा। और मैं काफी दिनों से बीपीएससी जेपीएससी पीसीएस के बच्चों को जीएस का क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी ये आकांक्षा है, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ये तहे दिल से तमन्ना है कि मेरी जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ हो और आपका मैं मार्गदर्शन कर पाऊं और आपको उस मंजिल तक लेकर जाऊं जहां आपने सपना सजो कर रखा है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। अगर ये चीज आपको पसंद आए ये वीडियो, तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ ही साथ हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, एंड जो हमारे रेफरल कोड है ACM10 का प्रयोग करोगे, चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं के एग्जाम हो, SSC हो, BPSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, BPSC हो, JPSC हो, दरोगा का एग्जाम हो, UPSC हो, या फिर जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं अनअकैडमिक सेक्शन से लेकर अकेडमिक, सारे के सारे जो हमारे मंच पे उपस्थित है, आप किसी में भी आप हमारे रेफरल कोड ACM10 का प्रयोग कर सकते हो और 10% का भारी छूट आप ले सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो हम लोग का बेहद ही रोमांचक जो नजरिया है, बेहद ही रोमांचक घटना है, उस पे हम लोग बात करेंगे आज, जिसका नाम है 26 जनवरी 2021 स्पेशल। तो अनअकैडमी क्रैक बीपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो विश्लेषण है उसका टॉपिक है 26 जनवरी 2021 स्पेशल, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातों में मैं आपको बता दूं कि आपके ड्रीम हमेशा बड़े होने चाहिए, आपके सपने बड़े होने चाहिए, और जितने बड़े सपने होंगे मेरे दोस्त उतना ही बड़े आपके गोल भी होंगे और गोल का तरीका भी होगा, और उसके अनुरूप आपको जो एक्शन लेने होंगे ना वो भी दमदार तरीके से और जुनून शिद्दत के साथ आपको लेने होंगे, तभी आपके पास रिजल्ट होगा ही होगा। तो दोस्तों जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, याद रखना जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा, और उसी काबिल बनने के लिए आपको लगातार क्या करने होंगे, मेहनत करने होंगे, ठीक है। दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट के पास बिना समय गंवावे, और आज जो है शुभ दिन जो है वो 26 जनवरी 2021 का स्पेशल है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, विशेष का टॉपिक ये है कि 72वां गणतंत्र दिवस पर एक विशेष प्रायोजन किया गया है, 72 रिपब्लिक डे पर एक स्पेशल क्लासेस आप लोग का आयोजित किया गया है जो अभी चल रहा है, और इसमें मैं बताऊंगा बेसिकली गणतंत्र दिवस के बारे में 2 शब्द, और साथ ही साथ पद्म पुरस्कार 2021 का जो संपूर्ण विश्लेषण है उसके बारे में मैं ऑपरेशन करने वाला हूं मेरे दोस्त। तो याद रखना आज का क्लास मिस बिल्कुल भी मत करना, और मैं चलता हूं अब आगे अपने पॉइंट पर और आगे अपने चीजों को बताने के लिए। तो सभी उम्मीद है कि सभी दोस्त लोग रेडी हो गए, सभी लोग तैयार हो गए, ओके ओके। देखो जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा है, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दिया, बहुत सारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, तब जाके आज हमें आजादी मिली। तो सबसे पहले फिर से मैं सभी को नमस्कार करता हूं तहे दिल से, भारत की सभी जनता सब पार्टियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बेहद खास अवसर पर 72 गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माता को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी।
लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और हमारे संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान था और आज के समय में यह काफी बढ़ चुका है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने यहां शपथ ली थी, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है, ठीक है ना। तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे मेरे दोस्त, उसका नाम था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। क्या नाम था? सुकर्णो। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि देश में रहने वाले लोगों को जो सर्वोच्च शक्ति है और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए जो राजनीतिक नेता होते हैं, उसके रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार होता है मेरे दोस्त। किसके पास? केवल जनता के पास अधिकार होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता पीएम के रूप में चुनती है। क्लियर है यहां तक? सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, सभी लोगों को हर चीज समझ में आ रही होगी। चलो हम लोग चलते हैं आगे। 72 रिपब्लिक डे पर स्पेशल पद्म पुरस्कार 2021 का संपूर्ण विश्लेषण करने से पहले एक बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग एक नजारा देख ले। दोस्तों यहां से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपके पास दिख रहा है ना मैप में, देखो मैं यहां पर कलम को चेंज कर दे रहा हूं इंक को, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये दिखाई दे, ठीक है ना। दोस्तों यह चौथा ऐसा मौका है, कहवा चौथा, याद रखना दोस्तों, फोर्थ टाइम, चौथा ऐसा मौका है जब भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है। लेकिन इससे पहले 1952 में, यहां चौथा मैंने लिखा था ना, तो 1952 में, फिर कब 1953 में, फिर कब 1966 में ऐसा हो चुका है। मतलब 1952, 1953 और 1966 एंड 2021 ऐसा मौका है जब भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। दूसरे पॉइंट पे बात करें तो हम लोग देखते हैं वही एक बार कई बार ऐसे मौके भी आए जब देश के गणतंत्र दिवस समारोह में दो दो अतिथि को भी शामिल किए गए। 1956 का वो दिन, 1968 का वो दिन एंड 1974 का वो दिन जब दो दो मुख्य अतिथि को शामिल किए गए मेरे दोस्त, दो दो मुख्य अतिथि को शामिल किए गए। तो हम लोग चलते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। तो देखो अगला पॉइंट क्या है, चूंकि आप लोग जान रहे हो कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मेरे दोस्त, क्या नाम बताया मैंने, बोरिस जॉनसन, क्या बताया, एकदम दिमाग में रखना, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन जाना ही जाना है, कॉपी फाड़ क्वेश्चन है, मोबाइल तोड़ स्क्रीन फोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। क्यों? कोरोना के कारण, ड्यू टू रीजन ऑफ कोरोना। इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे। कौन थे भाई? बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे और बोरिस ने कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते भारत दौरा रद्द कर दिया मेरे दोस्त, याद रखना ये रद्द कर दिया। और बोरिस के इस फैसले के बाद जानकारी मिली है कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया जाएगा, है ना, किसी भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया जाएगा। तो बोरिस जॉनसन आपके दिमाग में होना चाहिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपके दिमाग में होना चाहिए और उनके कैंसिल करने का कारण आपके दिमाग में होना चाहिए। और इस बार 72वीं यानी 72 रिपब्लिक डे पर कोई भी मुख्य अतिथि विदेशी नहीं है, इस बात की जानकारी आपको तो होनी ही होनी चाहिए मेरे दोस्तों, होनी ही होनी चाहिए। अब देखो एक बार ऐसा भी मौका मिला कि जब 10 देश हुए शामिल, 10 देश एक साथ शामिल हुए और वो वर्ष था 2018 का। कौन सा मेरे दोस्तों? 2018 का। और वो 2018 में 10 एशियाई देशों के प्रमुख गेस्ट के रूप में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे, है ना। कब बताया मैंने? 2018। कितने 10 देश? कौन से देश? तो एशियाई देश। कौन से? 10 एशियाई देशों के प्रमुख गेस्ट के रूप में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। और आपको बता दूं कि यह पहला मौका था
जब इतने देशों के मुखिया 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए थे मेरे दोस्त, क्या वो नजारा रहा होगा, क्या वो दिन हो रहा होगा कि जब 26 जनवरी 2018 के साल में और इतने सारे 10 एशियाई देश के प्रमुख गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ उपस्थित हुए, क्या वो शान और शौकत लग रहा होगा, क्या वो नजरिया लग रहा होगा। निस्संदेह रूप से वो देखने ही लायक था और काबिले तारीफ होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ और आज का धुआंधार पॉइंट ध्यान से देखना, क्योंकि आपके दिशा और दशा को बदलने की ये हिम्मत रखता है। तो 72 जो हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं, 72वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही सोमवार को मंडे को पद्म पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 2021 का ऐलान कर दिया गया मेरे दोस्त, ऐलान कर दिया गया और डंका बजा कर बताया गया। इसके तहत किसी भी खास क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले नागरिकों को 3 श्रेणी, कौन कौन, एक हो गया पद्म विभूषण, एक हो गया पद्म भूषण और एक हो गया पद्म श्री। तो भाई ये तीनों चीज आप लोग याद रखना मेरे दोस्त, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है ना, कितने, 3, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया। आज विशेषकर हम लोग उसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान लगा के देखना, मौका चुक ना जाए। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले जो पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को जस्ट बताया, ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को जस्ट बताया कि इसका ऐलान कर दिया गया है और इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, कितने लोगों को, 7 हस्तियों को, याद रखना मेरे दोस्तों, कितने लोगों को मैंने बोला, 7 हस्तियों को, है ना, 7 हस्तियों को, देखो 7 हस्तियों को पद्म विभूषण। तो अगर पूछ दे कि पद्म विभूषण, क्या पूछ दे, पद्म विभूषण कितने लोगों को मेरे बच्चे, तो याद रखना 7 लोगों को, और 10 को पद्म भूषण। अगर पूछ दे कि पद्म भूषण कितने लोगों को, तो पद्म भूषण जो थे वो पद्म भूषण कितने लोगों को, तो पद्म भूषण 10 लोगों को, और पद्मश्री का पुरस्कार कितने लोगों को, तो याद रखना मेरे दोस्त, पद्मश्री का पुरस्कार 102 लोगों को दिया गया। तो पद्म विभूषण पाने वालों में जापान के पूर्व पीएम प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी थे और सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यन, जिसे मरणोपरांत का भी दिया गया है नाम, वहीं तरुण गोगोई और रामविलास पासवान जो मरणोपरांत जिनको दिया जाने के लिए प्रावधान किया गया है, सुमित्रा महाजन, क्या है, सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा, पद्म भूषण से नवाजा जाएगा, पद्म भूषण, याद रखना दोस्तों, पद्म भूषण का मैं चर्चा कर रहा हूं, और 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 7, 10, 102 आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वो 7 हस्तियां कौन हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिले मेरे दोस्त, पद्म विभूषण मिले, 7 हस्तियां कौन कौन से हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिले। और सबसे पहले इस वर्ष जो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिले हैं वो आपके स्क्रीन पर है, ये शिंजो आबे, ये जन सेवा के लिए जापान के हैं प्रधानमंत्री, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, शिंजो आबे, क्या नाम है, शिंजो आबे, क्या नाम बताया मैंने, शिंजो आबे, जो जापान जन सेवा से रिलेटेड है। ये देखो शिंजो आबे कितना स्मार्ट पर्सनैलिटी है यार, और इसके बाद देखो इसकी व्याख्या, सबसे पहले देखो यहाँ क्या कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण का सम्मान मिला है। दूसरा पॉइंट, उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच जो द्विपक्षीय संबंध थे उसमें काफी प्रोग्रेस हुई है, और आबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता की है ना, याद रखना दोस्तों, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत के साथ और जापान के साथ, है ना, ये जो है चतुर्भुज क्या की है, वार्ता शुरू की है चारों देश के बीच। तो अगस्त 2007 में भारत को 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर एक नए द्विपक्षीय एशियाई गठबंधन के लिए सहमति दी थी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे, एसपी बाला सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, कला के क्षेत्र में इसे इन्हें मरणोपरांत, तो जहां भी मरणोपरांत होगा मेरे दोस्तों याद रखना, यहां से तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम ये रहे स्मार्ट पर्सनालिटी जिनका नाम है एसपी बाला सुब्रमण्यम, देश के प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम। क्वेश्चन पूछेगा कि बाला सुब्रमण्यम का संबंध किससे है, तो गायिका से है, गायक याद रखना। 50 साल के गायकी करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम में 40,000 से ज्यादा गाना गाए, कितने, तो 40,000 से ज्यादा गाना गाए बाला ने तमिल, बाला मतलब बाला सुब्रमण्यम है ना, तो बाला ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की
40 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशक का काम किया और 2001 में उन्हें पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण, और उनका निधन हो गया 25 सितंबर 2020 को। कब निधन हो गया? 25 सितंबर 2020 को निधन हो गया। आते हैं तीसरा, मुनप्पा हेगड़े, डॉक्टर बिल्ले मुनप्पा हेगड़े, जो एक चिकित्सा या तमिलनाडु से रिलेटेड है, याद रखना। ये रहा उनका तस्वीर और ये है उनकी ख्याति। डॉक्टर बिल्ले मुनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। क्या है मेरे दोस्त? हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और वे एक शिक्षाविद, प्रेरक वक्ता और लेखक भी हैं। उन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी है। उन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अब चलते हैं अगले की तरफ। नरेंद्र सिंह कपानी, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो यूएसए से संबंधित है, ये हैं पाजी, है ना, भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं, और उन्हें फोर्ब्स मैगजीन, जो चलता है अमेरिका का है, फोर्ब्स कभी कभी एग्जाम में पूछा था कि फोर्ब्स मैगजीन जो है वो किस देश से संबंधित है, याद रखना मेरे दोस्त, अमेरिका का है। तो उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर नामित किया था। उन्होंने ही 1956 में 1956 में फाइबर ऑप्टिक शब्द इजाद किया था, और कपानी के शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक संचार, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल है। इनके पास 100 से अधिक पेटेंट हैं और नेशनल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के ये सदस्य भी हैं दोस्तों। अगला चलते हैं हम लोग, मौलाना बहीउद्दीन खान, जो अध्यात्म से रिलेटेड है, दिल्ली के ये हैं हमारे साहब। तो दिल्ली में रहने वाले मौलाना बहीउद्दीन खान का जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। कहां हुआ था? आजमगढ़ में। वे प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ याद रखना कि उन्हें सोवियत संघ के दौर में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, क्या नाम है, राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने डेमोग्रग पीस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया, और उन्हें 2000 में पद्म, याद रखना, 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने कुरान को सरल और समकालीन अंग्रेजी में अनुवाद किया और कुरान पर एक टिप्पणी भी लिखा है, और ये कई टेलीविजन चैनलों में व्याख्यान देते रहते हैं। अगला चलते हैं छठे नंबर, बीबी लाल, पुरातत्व दिल्ली, बीबी लाल। ये देखो, ये बीबी लाल बहुत इंपॉर्टेंट, और बीबीआई कॉपी फार क्वेश्चन, मोबाइल तोड़ स्क्रीन फोर क्वेश्चन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन टप्पा मारेगा तो मारेगा। तो बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज करने वाले यही बीबी लाल पद्म विभूषण से सम्मानित दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, क्या है ये, ASI के महानिदेशक भी रह चुके हैं। उनकी किताब का नाम है राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु, साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर खासी बहस हुई थी। इसमें विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने की बात कही गई थी। उन्हें पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है। अब अगला चलते हैं सातवां और जो अंतिम होगा, सुदर्शन साहू कला ओडिशा। ये हैं सुदर्शन साहू जी, ओडिशा के सुदर्शन साहू प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, और वो पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों में ढालने में माहिर हैं। उनकी बनाई हुई कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध है, और उन्हें पहले पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वे अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों के भी चित्र उकेरते थे, यानी बनाते थे। तो दोस्तों, ये थे हम लोगों के पार्ट्स जो हम लोगों ने पढ़ा। तीन चीज के बारे में मैंने आपको आपसे चर्चा की थी। अब उसका दूसरा पॉइंट है आपका, 10 लोगों को जो पद्म भूषण मिले हैं उनके लिस्ट, उनका लिस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो 8वें नंबर पे आपको दिख रहा है, चलो मैं यहाँ पर इंक थोड़ा चेंज कर दूं ताकि आप लोग को मजा आ जाए, ठीक है, मिस्टर कृष्ण नायर, है ना, शांति कुमारी, याद रखना संत कुमारी, एकदम याद रखना, चित्रा, ये 8 के क्षेत्र में केरला के रहने वाले, ठीक है। 9वां नंबर पे है आपका, मतलब जो दूसरा है पद्म भूषण जिनको मिला है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, चूंकि मैंने पूरा एक साथ 8 नंबर कर दिया, क्योंकि 7 तक वहां मैंने डिस्कशन दे चुका है ना। तो ये देखो, श्री तरुण गोगोई जो पब्लिक अफेयर से रिलेटेड हैं असम के। फिर देखो ये अगला, श्री चंद्रशेखर, है ना,
कंबारा जो लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है कर्नाटका, एंड जो आपको फोर्थ नंबर पे है ये सुमित्रा महाजन जो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं आप जानते हो, पब्लिक अफेयर से संबंधित है मध्य प्रदेश, एंड श्री निपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विसेज से संबंधित है उत्तर प्रदेश पांचवा, और छठा जो है श्री राम विलास पासवान जो पब्लिक अफेयर से है बिहार। और ये लिख लो कि बीपीएससी का अगर एग्जाम देने जा रहे हो, बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हो या बिहार के कोई भी सेक्शन में एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई ये आग का गोला है। क्या है? आग का गोला, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। श्री राम विलास पासवान पब्लिक अफेयर हैं, याद रखना उससे रिलेटेड हैं और बिहार के, ठीक है, इनको ये पुरस्कार से ये किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ओके, तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसे ही हम लोग देखते हैं तो पिछला जो हम लोग पढ़े थे कहां तक पढ़े थे दोस्तों, तो हम लोग पढ़े 6 नंबर तक, अब हम लोग चलेंगे 7। 7 में है श्री केशु भाई पटेल जो आपका पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है गुजरात के, और 8वें नंबर पे श्री कालबे सदिक जो अदर स्पिरिट से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश, एंड साथ ही साथ 9वें नंबर पे है श्री रजनीकांत देवीदास रॉव जो आपके ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संबंधित है महाराष्ट्र, एंड 10th नंबर में जो है वो है श्री तारलोचन सिंह जो पब्लिक अफेयर से संबंधित है हरियाणा। ये थे 10 ऐसे लोग जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम लोग चलते हैं 102 पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित। तो दोस्तों यहां पर 102 पद्म श्री पुरस्कार में करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेकर चलूंगा। मुख्य खिलाड़ियों को, मुख्य लोगों को सिर्फ आप याद रखना क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख लो यहां से नंबरिंग कर लेना 1, 2, 3, 4, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ मैंने नंबरिंग कर दिया। टोटल पद्म श्री जो मिले हैं कितने लोगों को मेरे दोस्त, 102 लोगों को मिले हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो सारे लिस्ट में देख लेना उत्तर प्रदेश के हैं कौन, श्री गुलफाम अहमद है और पी अनिता है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है तमिलनाडु, ये स्पोर्ट्स वाला याद रखना। श्री राम स्वामी अन्नावरप्पू है जो आंध्र प्रदेश के आर्ट से, श्री शोभु अरुणगुम है जो कि तमिलनाडु से आर्ट से, है ना। श्री प्रकाशरो असावेडो है जो लिटरेचर एंड एजुकेशन से है आंध्र प्रदेश से, और भूरी भाई है आर्ट से मध्य प्रदेश से, और श्री राधे श्यान बारले हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। श्री धर्म नारायण वर्मा है लिटरेचर एंड एजुकेशन वेस्ट बंगाल फोर, है ना। और लक्ष्मी बुरा है सोशल वर्कर और ये सोशल वर्क से रिलेटेड असम के, एंड श्री बीरेन कुमार बसक हैं आर्ट से वेस्ट बंगाल के, ठीक है ना। फिर देखो रजनी बैक्टर याद रखना ट्रेड एंड इंडस्ट्री पंजाब, श्री पीटर ब्रुक याद रखना आर्ट यूनाइटेड किंगडम से, है ना। संघूमी बालूचक याद रखना सोशल वर्कर मिजोरम के, श्री गोपीराम बारियान याद रखना प्रभाकर भी बोल सकते हो आर्ट ये असम से, है ना। बिजोया चक्रवर्ती पब्लिक अफेयर असम, श्री सुजीत चट्टोपाध्याय लिटरेचर एजुकेशन वेस्ट बंगाल, श्री जगदीश चौधरी सोशल वर्कर उत्तर प्रदेश, है ना। चलो आगे श्री सुलीराम कोंजोर ये सोशल वर्क लद्दाख, है ना। मोमदास स्पोर्ट्स वेस्ट बंगाल, श्रीकांत दातर लिटरेचर एंड एजुकेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, श्री नारायण देवनाथ ये आर्ट से संबंधित है वेस्ट बंगाल, ठीक है। छुतनी देवी ये आपके हैं सोशल वर्क झारखंड से, तो जो जेपीएससी वाले होंगे यहाँ पर नजर दौड़ा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके जेपीएससी के लिए पूछेंगे। छुटनी देवी कौन, तो छुटनी देवी छुट गई और ये सोशल वर्कर झारखंड, है ना। इसके बाद देखो दुलारी देवी है आर्ट बिहार, और जो बिहार देंगे बीपीएससी उनके लिए एकदम रामबान होने वाला है। ये सब चीज को याद रखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो टप्पा मारेगा और बॉन्सर तो आएगा दोस्त। आगे चलते हैं हम लोग, मणिपुर के राधे देवी हैं आर्ट के, उड़ीसा के हैं शांति देवी सोशल वर्क, और इंडोनेशिया के हैं वयान डिबिया आर्ट से संबंधित, गुजरात के हैं श्री दादुअन गोधावी ये आपके लिटरेचर एजुकेशन से, महाराष्ट्र के आर्ट के क्षेत्र में हैं श्री परशुराम आत्मारम याद रखना, है ना, परशुराम आत्मारंग, और हरियाणा के लिटरेचर और एजुकेशन से हैं श्री जैव भगवान गोयल, वेस्ट बंगाल से लिटरेचर एंड एजुकेशन में हैं श्री जगदीश चंद्रा हल्दर कुछ भी बोल दो, असम से लिटरेचर एंड एजुकेशन में हैं श्री मंगल सिंह, है ना, हाजोवारे, और अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट्स जहां स्पोर्ट्स आएगा ध्यान रखना ये है अंशु जमसेप्पा याद रखना यह दोस्तों अंशु जमसेप्पा। और इसके बाद देखो ओडिशा के आर्ट से संबंधित है पुरानमशी जानी, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटका के आर्ट से संबंधित है माथा भी महा मन जम्मा जोगती, और केरल के आर्ट से संबंधित है दामोदरन कैथपरम, महाराष्ट्र के लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है नामदेव सी केबल, एंड गुजरात के आर्ट से संबंधित है श्री महेश भाई और श्री नरेश भाई कंडोरिया,
और उड़ीसा से संबंधित है लिटरेचर एंड एजुकेशन में श्री रजत कुमार कार और कर्नाटक के लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड श्री रंगा स्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप और पंजाब से सोशल वर्कर के हैं मिस प्रकाश कुवर है ना। और इसके बाद ग्रीस के हैं आपके लिटरेचर एंड एजुकेशन से श्री निकोल्स काजांस एंड पुदुचेरी के हैं आर्ट से संबंधित श्री के है ना केशवा स्वामी। जम्मू एंड कश्मीर के आर्ट से हैं श्री गुलाम रसूल खान है ना श्री गुलाम रसूल खान ठीक है। राजस्थान के आर्ट से हैं श्री लाखा खान। बांग्लादेश के आर्ट से संबंधित है संजीदा खातून। गोवा के आर्ट से संबंधित है श्री विनायक विष्णु खेदकर और दिल्ली से सोशल वर्क से संबंधित है नीरू कुमार। पंजाब से आर्ट से संबंधित है लाजवंती जी एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित है श्री रतन लाल। लक्षद्वीप से संबंधित है अदर ग्रास रूट्स है ना इनोवेशन श्री अली मनिक फार्म। और बिहार फिर से आ गया मेरे दोस्त क्या बिहार, तो बिहार को याद रखना बिहार झारखंड वाले जो भी होंगे तो बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन की प्रभुता बढ़ जाती है। श्री रामचंद्र माझी, श्री रामचंद्र माझी आर्ट के क्षेत्र में बिहार के है ना। इसके साथ साथ देखो असम के हैं, चलो हाँ असम के हैं आर्ट से श्री दुलाई मन की है ना दुलाई मन की, चलो यहाँ पर इंक ले लू मैं ठीक है। इसके बाद देखो मेघालय, मेघालय के हैं कौन अदर्स एग्रीकल्चर में याद रखना श्री नांद्रो बी मरक। मणिपुर के आर्ट से हैं श्री रेबिन मेसगोवा और गुजरात के लिटरेचर एंड एजुकेशन से श्री चंद्रकांत मेहता। पंजाब से हैं आपके मेडिसिन के क्षेत्र में रतन लाल मित्तल। केरला से स्पोर्ट्स, फिर आ गया स्पोर्ट्स याद रखना केरला के स्पोर्ट्स से संबंधित है श्री माधव नाम्बियार। राजस्थान के सोशल वर्क से संबंधित है श्याम सुंदर पलिवाल और दिल्ली से है मेडिसिन के क्षेत्र में चंद्रकांत संभाजी पांडव और दिल्ली से मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर जे एन पांडे। और तमिलनाडु से लिटरेचर एंड एजुकेशन में है आपके सलोमन पापिया और आपके तमिलनाडु से संबंधित है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पापामाल और ओडिशा के मेडिसिन से संबंधित है कृष्ण मोहन पठाई। और महाराष्ट्र से ट्रेड एंड इंडस्ट्री से है कौन जसबिंदा जमंदल पोपट और पोपट याद रखना। और महाराष्ट्र से सोशल वर्क से है गिरीश प्रभु ने। ओडिशा से लिटरेचर और एजुकेशन से है श्री नाडा पुरुष्टी और केरल से आर्ट से है के रामचंद्र पलवार और केरला से लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है श्री बालन पुथेरी। असम के सोशल वर्क से संबंधित है बिरुबाला राभा और तेलंगाना के आर्ट से संबंधित है श्री कानका राजू। तमिलनाडु के आर्ट से संबंधित है बॉम्बे जयश्री रामनाथ याद रखना। त्रिपुरा के आर्ट से संबंधित है श्री सत्याराम रेयंग ठीक है ना। केरला से मेडिसिन से संबंधित है धनंजय दिमाकर सैकदेव। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश के मेडिसिन से संबंधित श्री अशोक कुमार साहू। उत्तराखंड के मेडिसिन से आपके भूपेंद्र कुमार सिंह संजय और महाराष्ट्र के सोशल वर्क से संबंधित है सिंधुवती सपकाल। जम्मू कश्मीर के लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है चमनलाल सप्रू। असम से लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म से संबंधित है रोमन शर्मा। असम से लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है इमरान शाह। उत्तराखंड के एग्रीकल्चर से संबंधित है प्रेमचंद शर्मा। राजस्थान के लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है अनुज सिंह शेखावत। उत्तर प्रदेश के लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है श्री राम यत्न शुक्ला। दिल्ली के सोशल वर्क से संबंधित है श्री जितेंद्र सिंह संटू और हिमाचल प्रदेश के आर्ट से संबंधित है श्री करतार पारस राम सिंह और पंजाब के आर्ट से संबंधित है श्री करतार सिंह। और बिहार फिर से आ गया मेरे दोस्त बिहार, तो बिहार बीपीएससी लिख लो एकदम टप्पा मार के क्वेश्चन तो पूछेगा। मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से है अदर एग्रीकल्चर में श्री चंद्रशेखर सिंह। उत्तर प्रदेश से स्पोर्ट्स, फिर आ गया मेरे दोस्त स्पोर्ट्स को लाइन कर देने हैं। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स से है कौन सुधा हरि नारायण सिंह। हरियाणा के हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन बीरेंद्र सिंह। बिहार फिर आ गया बीपीएससी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिहार लिटरेचर एंड एजुकेशन याद रखना दोस्तों। 67th बीपीएससी देने वाले हो वहां बहुत बड़ा प्रायोजन होगा इसका और जेपीएससी में 4, 7, 8, 9, 10 चारों का निकालने वाला है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जी जान से तैयारी करो और एग्जाम को निकालो। तो मृदुला सिन्हा है ये ठीक है। तमिलनाडु के आर्ट से संबंधित है श्री केशी शिवाशंकर और वेस्ट बंगाल के सोशल वर्क से संबंधित है गुरु माँ कमाली सोरेन ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं तमिलनाडु के सोशल वर्क माराची सुब्रमण्यम से। तमिलनाडु के ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संबंधित है पी सुब्रमण्यम। आंध्र प्रदेश के आर्ट से संबंधित है नेडुमोलु सुमाथाई और मध्य प्रदेश के लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है श्री कपिल तिवारी। स्पेन के लिटरेचर एंड एजुकेशन से संबंधित है फादर वेल्स। तमिलनाडु के मेडिसिन से संबंधित है डॉक्टर धीरुवेंगडम वीरांगवन है ना।
तमिलनाडु के ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संबंधित है श्रीधर वेम्बू, और कर्नाटका के स्पोर्ट्स, फिर से आ गया स्पोर्ट्स से संबंधित है श्री के वाई वेंकटेश, और उत्तर प्रदेश के लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है उषा यादव, और बांग्लादेश के पब्लिक अफेयर से संबंधित है अली जाहिर। ठीक है, ये सारे जो पुरस्कार थे 102 पद्म श्री का नाम मैंने बताया। तो याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक में। तो 16 लोगों को मरणोपरांत यानी आफ्टर डेथ, 16 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति ने 119 पद्म, कितने 119 पद्म पुरस्कार दिए जाने को मंजूरी दी है, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री है। ठीक है ना, कितना बोला मैंने, 10 बोला, फिर मैंने क्या बोला भाई, 102 बोला, और फिर मैंने क्या बोला था, 7 बोला था, कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 119। ठीक है ना, कितने हो गए, 119। तो मेरे बच्चों याद रखना 119 कुल पुरस्कार है, इसमें से जो है 7 जो है वो पद्म विभूषण है, 10 जो है वो आपका पद्म भूषण है, और 102 जो है वो है पद्म श्री, यानी कुल पद्म पुरस्कार 119, जिसमें 7 हो गए क्या पद्म विभूषण, 10 हो गए क्या पद्म भूषण, और 102 हो गए क्या पद्म श्री। इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि जो आपके पद्म पुरस्कार विजेताओं में 29 महिलाएं हैं, कितने महिलाएं हैं, 29 महिलाएं हैं, महिलाओं का कितना है भाई 29, इसमें 10 लोग क्या है विदेशी है, प्रवासी भारतीय है, PIO हैं और OCI हैं, और एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर श्रेणी से भी हैं, और इसमें 16 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं, जो मैं पहले भी बताया हूं, ये इंपोर्टेंट है। ये देखो झांकी कितना सुंदर और विशाल, कितना अच्छा महसूस होता है जब हमारी सारी सेना यहाँ प्रदर्शन कर रही होती है और सारी सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर उपस्थित होते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, विभिन्न प्रकार के आला ऑफिसर अधिकारी यहाँ पर आते हैं, और वो लगता है जंबाज सैनिकों की वो कुर्बानी याद आ जाती है जब हमें आजादी मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये सारा सेक्शन जो है, ये सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग इसे क्या करना ना, सबको इसको सेलिब्रेट करना, हैप्पी रिपब्लिक डे, आप लोग को गणतंत्र दिवस की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग क्या करोगे, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि सभी लोगों को ये सारी विशेषता जानकारी उन्हें पता चल जाए और ये रिपब्लिकन डे सच में रिपब्लिकन डे जैसा हो। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और शेयर इसलिए क्योंकि हर एक छोटे से छोटे तबके के लोग, बड़े से बड़े तबके के लोग इससे अछूता ना रहे, और उनको ये सारी जानकारियां क्या हो जाए, उनको ये सारी जानकारियां आराम से मिल जाए। तो दोस्तों याद रखना इसे शेयर करना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए इसे शेयर करना। तो हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन, और अच्छे से आप लोग गणतंत्र दिवस मनाएं, इसके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों अगले क्लास में फिर मैं मिलूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम अनअकैडमी में लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, और मेरा रेफरल कोड है ACM10 के द्वारा आप जुड़ सकते हो, जिसमें 10% की आपको डिस्काउंट मिलेगी, और हाउ टू गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ, फॉर 1 month 1600, 3 months के लिए 4000, एंड 6 months के लिए 7200, एंड 12 months के लिए 8800, एंड 24 months के लिए 12800। वहीं आप अगर हमारे ACM10 का प्रयोग करते हो रेफरल कोड का, तो 10% को आपको डिस्काउंट मिलेगी मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगी। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है, ओके।